गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 1 फरवरी। एशेज दैट मेड अ ट्री ब्लूम। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था, एक ओल्ड कपल होता है, उनका एक डॉगी होता है जिसको उनके पड़ोसी मार देते हैं लालच में आके। अब आगे क्या होता है, वो एक चक्की बना लेते हैं जिसमें से क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, बनता रहता है जैसे ही वो उसको स्टार्ट करते हैं। मेल वाइल द एनवेस नेबर पेप्ड एंड द विंडो। तो जो उनके नेबर होते हैं फिर से क्या करते हैं, वो खिड़की में से झांक कर देखते हैं और वो देखते हैं कि इनके पास तो फिर से क्या हो गया है, गोल्ड हो गया है। तो वो क्या करते हैं, जो ये चक्की होती है इनकी, एक दिन के लिए बोरो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो उनका तो गोल्ड में कन्वर्ट होता है लेकिन इनका जो तो कीड़े मकोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो चक्की होती है उसको क्या करते हैं, ये पीसेज में मतलब चॉप कर देते हैं और उसके बाद उसको एज अ फायरवुड यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे इनके वर्ड मीनिंग। तो एनीवेज का मतलब होता है जेलस होना, ठीक है, किसी से जेलस ही होना। तो ये हो गया हमारा जेलस। फायरवुड, फायरवुड क्या हो गया, वुड यूज्ड फॉर फ्यूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर विकेड, एविल और मॉरल रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। वॉर्म्स, क्रीपिंग इंसेक्ट्स, वॉर्म्स हमारे ये हो गए और पिक्चर में हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। What did the envious neighbor see when she peeped in at the window? Shining mass of gold. तो उसको गोल्ड ही गोल्ड दिखाई देता है, तो बी आंसर आ गया इसका। और why did the envious neighbor chop the meal into pieces? Because it was broken, because it did not turn the pastry and sauce into a... क्यों गुस्सा हो जाता है वो, क्योंकि वो क्या करता है, because it did not turn the pastry and sauce into mass of gold, ठीक है। तो इसलिए उसको गुस्सा आता है, क्योंकि मेन तो वो चाह रहा था ना उसको कि भाई जो मास उसमें हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, बिको बट एट द फर्स्ट ब्लो मास ऑफ द वॉर्म्स में टर्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री। डिड नॉट टर्न क्यों नहीं होगा, टर्न तो कर ही दिया था। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सोस इनटू मास ऑफ गोल्ड, ठीक है बच्चा। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम चल रही है एंड अदर थिंग इज़ वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वो हॉस्पिटल में है, तो मैं उनके साथ ही हूँ, तो इसलिए सर जो हैं वीडियो बना रहे हैं। मतलब मैं ये बात आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, बट वन ऑफ माई वेरी 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 इमीडिएट मेम्बर जो हैं फैमिली के, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन से ही हॉस्पिटल में हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही, सर वीडियो बना रहे हैं और निधि मैम वीडियो बना रही हैं। तो जिन वीडियोज़ को मुझे बनाने का टाइम मिलता है मैं वो वीडियोज़ बना देती हूँ। और बाहर आप देख ही सकते हैं काफ़ी शोर हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।